ये दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी एनिमल सेल के बारे में। लास्ट टॉपिक था और इसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, इसको मिला देने पर जीव द्रव्य बनता है। यह नामपुर के इंजीनियर ने दिया था और यह हमारे जिस शरीर की भौतिक इकाई होती है और जीवन का भौतिक आधार कहने वाले हैक्सले थे। आइए नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक की बात करते हैं। कोशिका की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। इसमें तारकाय होता है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, इसमें केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि चिकना होता है और एक तरफ का सिर्फ खुरदरा होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके हिंदी में अंतःप्रद्युत जालिका कहते हैं। गोल्जीकाय होता है, लाइसोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसके बारे में कुछ अच्छा करते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, यह बाहरी आवरण इसका, कोशिका झिल्ली इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पादप और जंतु में दोनों में होता है और यह अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं इसे, जिसे इसका अर्थ है चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश मिलता है और इसका निर्माण जो होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है। माइटोकांड्रिया की बात करते हैं तो इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं और कोशिका का यह पावर हाउस होता है और इसमें दोहरी झिल्ली से यह निर्मित होता है। और दोहरी झिल्ली से कौन कौन किस किस का निर्माण होता है, दोहरी जिससे किस एक ट्रिक है महक मैं से माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली का होता है, हाँ से हरित लवक यह दोहरी झिल्ली का होता है और कहाँ से केंद्रक हो गया, ये तीनों चीज़ें दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। और माइटोकांड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचय होती है। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और माइटोकांड्रिया इसका नाम देने वाले बेंडा जी ने दिया था, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। हमारा माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, यह बाहरी आवरण हो गया, यह इसकी आंतरिक आवरण हो गया और इसके बीच में लिक्विड पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं जो कि एक लिक्विड पदार्थ होता है। आइए रेस्पिरेशन सिस्टम को समझते हैं। जैसे हमारे माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब पहुंचता है और तो यह जो है माइटोकांड्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करता है, साथ में एनर्जी जो कि ATP के रूप में होती है। इसको रिएक्शन के रूप में समझते हैं। हमारा ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और ऑक्सीजन होगी श्वसन के रूप में, और यह जब माइटोकांड्रिया कोशिका के माइटोकांड्रिया में पहुंचता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तोड़ता है और इसको पानी में और एनर्जी के रूप में 36 ATP जो है रिलीज होती है ऊर्जा। और इस रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यह इसमें जटिल अणु जो होता है, यह हमारा ग्लूकोज जो कि एक प्रकार का जटिल अणु है और इसको सरल अणु में तोड़ना कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। इसी का विपरीत होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने लिया और नीचे से जड़ों के माध्यम से वो पानी लिया और इसमें हरित लवक होता है जिसकी सहायता से यह जो है सरल अणुओं को जटिल अणु में बनाता है जो कि 6H5O6 जो कि एक प्रकार का ग्लूकोज है, और इसका रूप में हमें फल प्राप्त होता है और हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसके रिएक्शन के रूप में देखते हैं C6H6CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O6H2O जो कि हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में जो है हमारा कठिन अणु बनता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है और 6CO2 जो कि ऑक्सीजन के रूप में हमें प्राप्त होती है। यह सरल अणु से कठिन अणु बनता है, इसे एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। यह दोनों रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत होती हैं और जिस प्रकार हमने नोट मेंशन किया है कि श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। आइए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्वसन जो होता है जंतु और पादप दोनों में होता है और यह माइटोकांड्रिया में होता है। इसके श्वसन में होने वाली रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और इसमें हमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और इस यह पादपों में होता है और पादपों के हरित लवक में यह रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि CO2 ग्रहण करता है पौधा और ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करता है। माइटोकांड्रिया की बाहरी परत को अगर हम हटा देते हैं तो बाहरी परत रहित माइटोकांड्रिया को माइकोप्लास्ट कहते हैं। यह बाहरी दोहरी झिल्ली का बना होता है, इसे बाहरी झिल्ली को हटा देंगे तो यह माइकोप्लास्ट कहलाएगा और यह माइटोकांड्रिया है पूरा। लाइसोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। इसको खोज जो है डी डोबा ने की थी और यह कोशिका की इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं।
मरी हुई कोशिकाओं को हटाने वाला कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और कोशिका की सफाई कर्मी को भी कोशिका की सफाई कर्मी भी इसे कहते हैं। लाइसोसोम जो कि पाचन के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, एक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है पाचन के लिए। और अगला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, जो कि दो प्रकार का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर में राइबोसोम की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण होता है, और स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होता तो इसमें लिपिड जो कि चर्बी का निर्माण होता है। और परिवहन अंग की तरह काम करता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है परिवहन अंग की तरह काम करता है, और इसकी खोज जो है पोर्टर ने की थी। राइबोसोम की बात करते हैं तो यह स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है, सबसे छोटा कोशिकांग कोशिका में सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। इसकी खोज पायलट ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इसे पायलट कड़ भी कहते हैं। जबकि प्रोटीन का निर्माण करता है, हमने देखा था कि जो है रफ ईआर में राइबोसोम होता है, और इसके कारण राइबोसोम की उपस्थिति में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यही आगे हमने लिखा है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और यह कोशिका का एक प्रकार से इंजन है और झिल्ली रहित होता है। गोल्जीकाय की बात करते हैं, इसकी खोज कैमियो गोल्जी ने की थी, और यह जंतु में इसे गोल्जीकाय कहते हैं, और पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। और यह मुख्य श्रवण अंग है, जो कि वेस्ट पदार्थ को कोशिका में वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम गोल्जीकाय करता है। तारककाय की खोज बोबेरी ने की थी, और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है, और यह बेलना आकार का होता है। पादप की बात करते हैं, प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है, प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक और वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट हमने टर्मिनोलॉजी में सीखा था, ल्यूको का मतलब सफ़ेद होता है, तो यह खाद्य पदार्थ स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, जो कि पादपों में स्टार्च के रूप में संचय होता है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। और हरित लवक की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या दोहरी झिल्ली का बना होता है, और इसमें परहरित या क्लोरोफिल, जो कि पौधों का रंग जो हरा होने का कारण यही है क्लोरोफिल, और इसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और इसे परहरित भी कहते हैं। वर्णी लवक की बात करते हैं, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यह रंग इसमें रंग पाए जाते हैं, जैसे टमाटर में टमाटर का लाल रंग जो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, और गाजर में ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है, और पीलिया रोग में जो पीलापन आता है वो इसे बिलुरुबिन कहते हैं, बिलुरुबिन वर्णक के कारण होता है। मूत्र में जो हल्का पीला रंग होता है उसे यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, और मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सन थिंग वर्णक के रूप में आता है, यह कलर लाल रंग। रिक्तिका की बात करते हैं, रिक्तिका को वैक्यूल स्थानी भी कहते हैं, या पादपों में इसका आकार बड़ा होता है, और जंतुओं में इसे छोटे छोटे आकार में पाया जाता है, जो खाली जेब के आकार के होते हैं यह, और इसमें लेयर होती है, जो कि इसमें लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसमें इसका मुख्य कारण है H2O को स्टोर करना, जल को स्टोर करना। केंद्र की बात करते हैं तो हमारा यह कोशिका हो गया, इसके हमने बाहरी भाग में जो जो होता है इसकी हमने चर्चा कर ली। अब इसके केंद्र की बात करते हैं, केंद्र की खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसके अध्ययन केंद्र के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। इसको जूम कर दे तो इसके इस प्रकार का कुछ संरचना दिखाई देती है, जिसमें धागेनुमा संरचना होती है, और इसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं, यहीं से हमारा गुणसूत्र निर्धारित होता है, इसी के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। इसको और जूम करने पर इसमें जो है इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, काफ़ी लिपटी हुई, इसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है डीएनए, और इसको आगे बढ़ाने पर हमारे कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, और इस सेंटर भाग को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि यह शब्द दिया था वाल्डेयर ने, और यही हमारा गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 22 जोड़ी ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जोड़ी एलोसोम कहलाता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसी से लिंग का निर्धारण होता है। मेल में XY इसके लिए मेल में जो है XY क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में XX होता है।
अपवाद के रूप में देखते हैं तो महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु में केवल 23-23 गुणसूत्र होते हैं। यह आगे चलकर जब निषेचन होता है महिला और पुरुष में, तो यह फर्टिलाइजेशन जब होता है तो यह फिर से 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र बन जाते हैं। भ्रूण में 23 जोड़ी गुणसूत्र बन जाते हैं जो कि एक प्रकार से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। पुनः देखते हैं पुरुषों में सबसे छोटा कोशिका जो कार्यात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। इसका जूम करने पर हमें इसमें केंद्रक मिलता है, केंद्रक में गुणसूत्र मिलता है और गुणसूत्र में ही हमें डीएनए की प्राप्ति होती है। जिस डीएनए के एक भाग में डीएनए का जिस एक छोटा सा भाग लेने पर इस छोटे से भाग को जीन कहते हैं जो कि एक प्रकार से डीएनए का भाग ही होता है और यह विशिष्ट लक्षण तय करता है। इसके कारण ही दो एक ही समान माता पिता के दो बच्चे बिल्कुल ही विपरीत होते हैं मतलब एक समान नहीं रहते हैं। यही विशिष्ट लक्षण जो है जीन तय करता है। डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है, यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जीन जो है डीएनए का भाग होता है, यह जीन जो है यह डीएनए का ही भाग होता है और डीएनए जो है गुणसूत्र का भाग, यह जो है गुणसूत्र का भाग होता है, छोटा भाग गुणसूत्र का है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं। यह जंतु पादप दोनों में पाया जाता है, यह केवल वायरस में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एचआईवी वायरस में होता है और जो कि एक प्रकार से एड्स है। इसका हिंदी में है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह वायरस होता है जिसमें कि आरएनए पाया जाता है। डीएनए की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें तीन प्रकार के अच्छे तत्व होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट। शर्करा शुगर के रूप में, नाइट्रोजन क्षारक N2 बेस के रूप में चार होती हैं और फास्फेट PO4- होता है। शर्करा की बात करें तो इसे शर्करा जो है इसमें O जुड़ता है, इसलिए इसका नाम जो है डीऑक्सीराइबोज होता है। और डीएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, काफ़ी न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियोटाइड फास्फेट शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक या मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियोसाइट में शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक होता है, इसमें फास्फेट नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इस एग्जांपल के रूप में इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि डीएनए सॉफ्ट होता है, डीएनए मतलब सॉफ्ट से मतलब हो गया न्यूक्लियोसाइड, आधा एफ से हो गया पी फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जो कि हमारा डीएनए होता है। नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं तो इसमें डीएनए में हमारा फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन क्षारक होता है, जिसकी चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं मतलब इसके चार भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं कि एक प्यूरिन एक पिरिडीन। पिरिडीन में जो है पिरिडीन में दो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, थायमिन और साइटोसिन, और प्यूरिन में दो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो कि एडेनिन और ग्वानिन होता है। एडेनिन जो है इसको ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, थायमिन को टी से लिखते हैं। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और यह फिक्स है, एडेनिन थायमिन से ही जुड़ेगा वो भी डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। हमारे डीएनए संरचना कुछ प्रकार होती है, जैसे एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार इसके आगे थायमिन जो है एडेनिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ता है। यह हेलिक्स मॉडल है जो कि द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं इसे, जिसको खोज जो है वाटसन क्रिक और विल्किंस ने की थी, इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइए डीएनए आरएनए में कुछ अंतर की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें N2 बेस चार होते हैं, इसमें भी चार होते हैं N2 बेस। नाइट्रोजन क्षारक चार होते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन क्षारक चार होते हैं जो कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन होता है, और इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है जो कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है, हमें यह फिक्स है, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और इसमें आरएनए में एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। आइए अनुलेखन और
अनुवादन जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझते हैं। हमारे डीएनए में जो है स्क्रिप्ट, एक प्रकार की स्क्रिप्ट होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। यह हमारे डीएनए में ट्रिपलेट के रूप में ये शामिल होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन भी होता है। और ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो एक में तीन जोड़े ही आते हैं और तीन नाइट्रोजनी क्षारक को एक प्रकार से एक हम जोड़ा बना सकते हैं। और कितने इस प्रकार जो है चारों के तीन तीन अगर हम जोड़े बनाते हैं तो इसमें कुल जोड़े जो बनते हैं 64 जोड़े बनते हैं। और mRNA होता है जो कि यह एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एक प्रकार की स्क्रिप्ट है। इसको पढ़ता है कौन है? mRNA। और इसी क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं, डीएनए द्वारा आनुवंशिकी सूचना प्राप्त, डीएनए द्वारा आनुवंशिकी सूचना जो होती है वो प्राप्त कौन करता है? mRNA। और इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके आगे mRNA करता क्या है? mRNA जो सूचना मिलती है कि यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन है तो हमें इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। ये RNA एक प्रकार से RNA है तो एडेनिन के साथ हमेशा फिक्स है, यूरेसिल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और इसमें जो स्क्रिप्ट दूसरे नंबर पे गुआनिन है तो गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन जुड़ेगा। यह जो है इसका जो यह कार्य है mRNA का कार्य, mRNA का कार्य जो होता है यहाँ पर एडेनिन को यूरेसिल से जोड़ना, गुआनिन को साइटोसिन के साथ जोड़ना और साइटोसिन को गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ना। और इससे हमारे जो है नई प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी के कारण ही दो बच्चे एक ही माता पिता के असमान होते हैं, एक ही समान के नहीं होते हैं। और इसी क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, mRNA द्वारा नई प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, mRNA से प्राप्त सूचना के आधार पर विशेष प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। एग्जांपल के रूप में देखते हैं, डीएनए में एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन यह एक जोड़ा है और इसका जो है mRNA ने इसको स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया है, ट्रांसक्रिप्शन किया है। तो इस प्रकार से प्राप्त इसे जो है यह पता चला है कि इसके पास एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन का एक जोड़ा है तो इसने यह इसको ले लिया और एडेनिन के साथ यूरेसिल को जोड़ दिया, थायमिन के साथ एडेनिन को जोड़ दिया और साइटोसिन के साथ गुआनिन को जोड़ दिया। इस प्रकार जो है यह जो है एक नया लक्षण बनाएगा जो कि नया प्रोटीन होगा और यह जो है बच्चे में जब ट्रांसफर होगा तो जो बच्चा पहले से है उसके विपरीत दूसरा बच्चा जन्म लेगा। नोट के आधार पर एक जीन एक लक्षण को परिकल्पना किसने दी थी? तो बीडल और टोडम ने दी थी। और कृत्रिम जीन का लैब में संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने किया था। इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। धन्यवाद।